लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर स्वास्थ्य अमले की नाक में दम कर रखा है। पिछले दो हफ्तों से लगातार नए केसेस में इजाफा है। अलग अलग राज्यों में एक्टिव केस के साथ साथ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले भी लगातार बढ़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को कोरोना के 628 नए मामले सामने आए, जबकि 24 दिसंबर तक देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के कुल 63 मामले सामने आ चुके हैं। गोवा में सबसे ज्यादा 34, जबकि महाराष्ट्र में 9, इसी तरह कर्नाटक में 8, केरल में 6 और तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पर 4 और तेलंगाना में 2 मामले मिले हैं। केरल की अगर बात की जाए तो सोमवार को केरल में सबसे ज्यादा 128 नए कोरोना केसेस मिले, साथ ही एक की मौत भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के आंकड़ों को सही माने तो सोमवार को आए नए केसेस के बाद केरल में एक्टिव मरीजों की गिनती बढ़कर 3,128 हो चुकी है। उधर JN1 के डर के बीच महाराष्ट्र में भी बीते दिन 50 नए कोरोना केस मिले, जिनमें से JN1 वेरिएंट के 9 मामले सामने आए। इसके बाद महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के कुल 10 मामले हो गए। इन 10 मामलों में से 5 ठाणे में, 2 पुणे में और 1-1 सिंधुदुर्ग, अकोला और पुणे ग्रामीण जिले में हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो भले ही नए मामलों की गिनती बढ़ रही है और देश में JN1 का पता चला है, लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं। 92% लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं, यानी कि नए मामलों के बावजूद भी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की गिनती कम है। जब तक अस्पताल में मरीजों की गिनती में इजाफा